हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड ऑल द रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके इस अवेयरनेस प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, कोरोना के शोर में एड्स का भय भले ही थोड़े देर के लिए छुप गया हो, लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी लाखों लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये कभी भी अपने पैर पसार करके किसी को भी अपने चंगुल में ले सकती है, और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे ने भी इसके जो प्रोग्राम्स हैं, जो 1 दिसंबर जिसको वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है, कम नहीं किया है, और जागरूकता के लिए अभियानों की सघनता को वैसे ही आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। इसी क्रम में, जागरूकता को बढ़ाने के क्रम में, मैं भी एक छोटी सी भेंट आपको पेश कर रहा हूँ। आशा है कि आप इसको और लोगों के बीच में शेयर करके और इसको इस जागरूकता अभियान में आप अपना सहयोग देंगे। 1 दिसंबर सेलिब्रेटेड एट वर्ल्ड एड्स डे, इट इज ऑब्जर्व ऑन 1 दिसंबर। अगस्त 1988 में फर्स्ट टाइम इट वॉज ऑब्जर्व, बट इट इज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एज ए वर्ल्ड एड्स डे ऑन 1 दिसंबर, जो कि फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ डे भी है। इसका एम क्या है, क्यों ये मनाया जाता है? इसका मेन एम यह है, टू यूनाइट द पीपल टू फाइट अगेंस्ट एड्स, एड्स के अगेंस्ट लड़ना, टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट द एड्स, एड्स के खिलाफ अवेयरनेस जो है पैदा करना, टू सपोर्ट एच आई वी पॉजिटिव पर्सन को फिजिकल, मेंटल, मोरल जो भी सपोर्ट है, वो हम जिस हद तक प्रोवाइड कर सकते हैं हमें करना चाहिए। यहाँ पर एड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर एक आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। आप यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रोटीन कोट है जिसको कि बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कैप्सिड कहा जाता है, और इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, यही सबसे खतरनाक चीज़ है। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल इसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। पर थोड़ा बेसिक चीज़ जान लिया जाए, एड्स क्या होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एक डिजीज है। एड्स क्या है, एक डिजीज है, और नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसकी कमी हो जाती है, ऐसी डिजीज को हम लोग एड्स बोलते हैं। और एचआईवी ये एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ना कहके क्योंकि इस पर डिस्प्यूट है, वो वायरस है। एचआईवी ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, यही वायरस इस डिजीज को काज करता है। यानी एड्स एक डिजीज है, एचआईवी काजल ऑर्गेनिज्म है। एचआईवी एक रेट्रो वायरस है, इसलिए इसको रेट्रो वायरस कहते हैं क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए बना सकता है। ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, तो बायोलॉजिकल जो भी बैकग्राउंड के लोग हैं वो इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर देखा जाए तो बाहर प्रोटीन कोट होती है जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, और इसके अंदर आपको आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलेगा। ये एड्स का एक स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि जो हम अब ये बड़ा मेजर क्वेश्चन है कि एड्स हमारी हमारी इम्यूनिटी को कैसे कम करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी में जो WBC एक तरह के टी सेल्स, जो एक तरह के WBC होते हैं, जो हमें जर्म के अगेंस्ट लड़ते हैं और हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये जो एचआईवी जो वायरस है ना, इन्हीं टी सेल्स को किल कर देता है। और वंस टी सेल्स लॉस्ट हो गए तो जाहिर सी बात है कि हमारी इम्यूनिटी पर भी असर पड़ेगा, हमारा इम्यूनिटी भी कम होती जाएगी। कैसे ये फैलता है, एक व्यक्ति से जो एचआईवी है वो दूसरे व्यक्ति तक कैसे जाता है? यू कैन सी हियर हाउ ए पर्सन गेट एचआईवी। इसके 4 मेजर तरीके हैं जिसके द्वारा ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये कैरी करता है। पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दूसरा शेयरिंग नीडल, आइदर इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल आर ड्यूरिंग टेकिंग द ड्रग्स थ्रू इंजेक्शन। क्या होता है, ये एचआईवी पर्सन अगर एचआईवी पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में नीडल रहा है तो वो किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है।
अगर इन्फेक्टेड मदर है तो उससे भी बेबी को हो सकता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर इन्फेक्टेड ब्लड किसी हेल्दी व्यक्ति को चढ़ाया जाए तो भी जो है एड्स का वायरस पहुंच सकता है। ये लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल पर मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहूँगा। बस इतना बताऊँगा कि जो आरएनए का वायरस है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर इन हो रहा है, और हमारी बॉडी के ही जो टी सेल्स होते हैं, पर्टिकुलरली टी सेल्स के जो मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है उसको कब्जा कर लेता है, और फिर अपने लिए प्रोटीन और डीएनए बनाना शुरू कर देता है, और फिर जब सब कुछ प्रिपेयर हो जाए तो फिर उसको अपने वायरस पार्टिकल के रूप में बन के बाहर निकल आता है। यू आप ऐसे समझिए कि एक टेररिस्ट यानी वायरस किसी घर में घुस गया और उनके जो घर का मालिक है उसके वो कब्जा कर लिया, उसके ऊपर गन तान दिया, अब बोला हमारे लिए खाना बनाओ, खाना बनाया, खाना खाया, फिर उस घर को ध्वस्त करके वो निकल गया। इसी तरीके से एचआईवी वायरस भी वर्क करता है। वंस इंटर इनटू द बॉडी टी सेल्स, वहाँ पर अपने लिए प्रोटीन और डीएनए बनाएगा, आरएनए बनाएगा सॉरी, और फिर एक नए प्रोटीन एक नए वायरस के रूप में असेंबल होकर के उस सेल को ब्रस्ट करके बाहर निकल जाएगा, फिर किसी दूसरे टी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। तो बड़े सिंपल वे में मैंने लाइफ साइकिल को बताने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एड्स किसी भी एज, कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन को नहीं मानता है, ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। एड्स कैसे नहीं होता है, एड्स के फैलने के बारे में बहुत सारी मिथ भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसिंग नो क्रॉस, यानी इससे नहीं हो सकता है। हगिंग नो, शेयरिंग ऑफ फूड, आप खाना किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत सारी ऐसी केसेस होती हैं कि एड्स के केस में मरीज को घर से बाहर रख दिया जाता है, वह हम खाना शेयर करेंगे हो जाएगा, तो दिस इज ए मिथ। इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट से नहीं होता है। टॉयलेट सीट अगर आप शेयर कर रहे हैं तो उस पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाथिंग से नहीं होगा, एक साथ बात कर रहे हैं तो नहीं होगा। स्नीजिंग एंड कफ, स्वेटिंग से नहीं होगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब बॉडी का जो फ्लूइड होता है, जैसे सीमेन है, जैसे ब्लड है, जैसे लिम्फ है, जैसे इनका जब तक एक्सचेंज ना हो तब तक जो है इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। सिम्टम्स देखिए, देखिए एड्स का कोई अपना पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये हमारी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है तो जो भी डिजीज हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगी उसके सिम्टम्स आने लगेंगे। जनरल जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या होता है, वेट लॉस, जो मेन मेन सिम्टम वेट लॉस है, स्वेटिंग है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग्स हैं, इसके अलावा जो है स्किन के ऊपर रैसेस आने शुरू हो जाएंगे, ये मेन सिम्टम्स हैं। कैसे बचें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए जो आपने देखा कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो उसको अगर हम अवॉइड करते हैं तो वी कैन सेफ और हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो यूज कंडोम, यहाँ पे एक PREP यानी ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, इसका मतलब ये होता है कि हम इन्फेक्शन से पहले कुछ ऐसी दवाएं ले लेते हैं जिससे इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं, तो उस प्रोसीजर को अपनाना चाहिए, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। इसके अलावा टेस्टिंग बार बार कराना चाहिए ताकि पता चले कि कौन से एचआईवी अगर पर्सन है तो उसको हम क्योर कर सकते हैं, उससे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, बट ये ही सबसे वीक पॉइंट है। आज तक कोई दवा बनी ही नहीं है जो एड्स को कंप्लीट क्योर करे, इसलिए ये बीमारी सबसे ज़्यादा घातक है। अब देखिए अब प्रिवेंशन के कुछ बेहतर डिटेल में हम बात करते हैं। यहाँ पर जैसे कि अगर जे हाउ टू गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ एचआईवी, तो बी फेथफुल टूवर्ड्स योर लाइफ पार्टनर, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रैक्टिस ऑफ सेफ सेक्स और प्रोटेक्टेड सेक्स, यूज ऑफ कंडोम, ये अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को दिखाया जा रहा है। अब देखिए अगर यहाँ पर एचआईवी का वायरस होगा तो द पर्सन विल गेट इन्फेक्टेड। इसके अलावा जो है देखिए यहाँ पर अगर आप बाय द वे इंजेक्शन देखिए, यहाँ पर इंजेक्शन को अगर ये शेयर कर रहे हैं और इसमें से कोई एक आदमी इन्फेक्टेड है तो द पर्सन विल गेट इन्फेक्टेड। या कोई इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी है जो सर्जिकल ऑपरेशंस में यूज होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी है तो वो भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी एचआईवी डोनेट कर सकता है। तो इसलिए अवॉइड जो ड्रग जो लेते हैं उनमें तो ये केसेस होते ही होते हैं। मदर अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके बेटे को भी हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है। ये सारे मेथड यहाँ पे समराइज किए गए हैं। देखिए नो वैक्सीन टू प्रिवेंट एचआईवी एट ऑल, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है,
नो क्योर ऑफ इट्स, कंप्लीट क्योर इट्स का नहीं है। कुछ अगर दवाएं हैं तो वो केवल लाइफ को थोड़े देर के लिए प्रोलॉन्ग कर सकती हैं, बट कंप्लीट क्योर नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमको? एजुकेट योर सेल्फ एंड अदर, नो द एचआईवी स्टेटस ऑफ एनी सेक्सुअल पार्टनर, यूज ए न्यू लेटेक्स और प्रो पोली यूरीथेन कॉन्डोम एवरी टाइम यू हैव सेक्स, कंसिडर मेल सर्कमसीजन, यूज ए क्लीन निडिल, हमेशा हमको डिस्पोजल निडिल वो भी क्लीन होना चाहिए, बी कॉशस अबाउट द ब्लड प्रोडक्ट एंड गेट रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके अलावा आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट बताया, कोई वैक्सीन नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी बीमारी के लिए है, एड्स के लिए सबसे ज़्यादा सूट होता है, प्रिकॉशन इज द बेस्ट क्योर ऑफ द एड्स। ठीक है, अब एक जो सबसे एस्पेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मोरल एस्पेक्ट, जो हम एचआईवी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर जो बिहेवियर है वो अमानवीय हमको हम लोगों को देखने को मिलता है। तो बी काइंड एंड हेल्पिंग टूअर्ड्स देम, एडॉप्ट इम्पैथेटिकल बिहेवियर, उनके दर्द को अपना दर्द समझे, न कि सिंपैथी दिखाए, बी कॉशस बट डोंट आइसोलेट देम, सावधान रहे लेकिन उनसे उनको अलग ना करें, उनको यह एहसास ना कराएं कि वो हमसे अलग हैं। ठीक है, ट्राई टू कीप द मोरल ऑफ पेशेंट ऑलवेज हाई, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वी मस्ट टुगेदर अगेंस्ट एस टू मेक हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी एंड हैप्पी सोसाइटी का हम निर्माण कर सकते हैं। तो वही संबंध में इसमें जो है भय को हमें त्याग करके, और अगर हम समाज देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम रहेगा। डरे क्यों कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बस बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या न मिले तजुर्बा तो नया होगा। थैंक यू वेरी मच।